Hello everyone, good morning. You're with Dr. M.K. Das. Today I'll say you what is demo and a made up by word name. इससे बने कुछ शब्द. Demo क्या होता है और इससे बने कुछ शब्द के विषय में हम लोग आज जानेंगे. That's my chapter 50 and lecture 15. Listen on the board. Demo. Demo that's meaning a people, population. Demo का मतलब या तो लोग या फिर भीड़. ठीक है. Dem, demo, dems. Demo comes from Greek word. Demo जो है एक Greek word है. Demo क्या है? Greek word है. ठीक है. Demo, dems और demos. तीनों एक ही word है. तीनों Greek word है. Demo comes from Greek. यानी demo Greek से आया हुआ है. ठीक है. Demo Greek word से आता है. That's meaning of people. जिसका मतलब होता है लोग या फिर population. Here are some word. Made up by डेमो एज अ एग्जाम्पल. मतलब क्या रहा है यहाँ पर हम कुछ वर्ड लेते हैं डेमो से बना हुआ कुछ वर्ड देखते हैं कि कैसा होता है उस तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पे. पहले कॉलम में एग्जाम्पल हमने लिया जो डेमो से बना हुआ वर्ड है. नेक्स्ट है ग्रीक और लैटिन रूट वर्ड. थर्ड कॉलम में है मीनिंग ऑफ रूट वर्ड. और लास्ट है एक्सप्लेन. ये जो वर्ड है इसका हमने लास्ट में एक्सप्लेनिंग किया है. पहला है डेमोक्रेसी. पहला वर्ड है डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी जो है क्रेसी एक रूट वर्ड है जिससे बना हुआ ये डेमोक्रेसी. ठीक है. डेमो का मतलब तो आप समझते हैं. डेमो का मतलब होता है लोग पीपल और क्रेसी क्रेसी या फिर क्राटस. ठीक है. क्रेसी या फिर क्राटस ये एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पीपल या फिर रूल. और इसका एक्सप्लेन हम करेंगे रूल बाय ऑफ द पीपल या तो रूल ऑफ द पीपल या फिर रूल बाय द पीपल. लोगों के द्वारा जो रूलिंग किया जाता है लोगों के द्वारा जो तंत्र किया जाता है या लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है तो उसे हम बोलेंगे रूल बाय द पीपल या फिर रूल ऑफ द पीपल. और इसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेमागॉग. डेमागॉग डेमागॉग में एगग. एगग जो है ये एक रूट वर्ड है और इस रूट वर्ड से बना हुआ है डेमागॉग. इस एगॉग का मतलब होता है लीडर. ठीक है. ये एक रूट वर्ड है इसका मतलब होता है लीडर. ठीक है. और इसका एक्सप्लेन हम इस तरीका से करेंगे लीडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पीपल एक आम आदमी के द्वारा या फिर एक खास आदमी के द्वारा जो लीडिंग किया जाता है नेतृत्व किया जाता है. ठीक है. तो उसे हम कहेंगे डेमागॉग. दैट इज कॉल्ड डेमागॉग. नेक्स्ट है डेमोसाइड. ठीक है. डेमोसाइड डेमोसाइड में साइड एक रूट वर्ड है. ये साइड वर्ड से बना हुआ है डेमोसाइड. और इस साइड का मतलब होता है किल मर्डर डेथ. ठीक है. दैट्स मीनिंग ऑफ किल मर्डर डेथ. इट्स एक्सप्लेन इलीगल किलिंग ऑफ पीपल. कह रहा है गैर कानूनी तरीका से लोगों की हत्या. ठीक है. लोगों की हत्या गैर कानूनी तरीका से जब किया जाता है तब हम उसे क्या बोलेंगे डेमोसाइड. That is called democide. Next है democrat. Democrat में क्राट या फिर क्राटस. ठीक है. ये क्राट या फिर क्राटस रूट वर्ड है इससे बना हुआ है democrat. ठीक है. और इस क्राट या फिर क्राट का मीनिंग होता है रूलर या फिर रूल या फिर स्ट्रेंथ. इसका एक्सप्लेन इस तरीका से है स्ट्रेंथ ऑफ पीपल लोगों की ताकत या फिर लोगों का गुस्सा भी कह सकते हैं. नेक्स्ट है नेक्स्ट है डेमोजेन. डेमोजेन डेमोजेन में जेन एक रूट वर्ड है और इस रूट वर्ड से बना हुआ है डेमोजेन. ठीक है. इस जेन का मतलब होता है बर्थ या फिर रेस. इसका एक्सप्लेन इस तरीका से है द लास्ट रेस ऑफ पीपल. कह रहा है लोगों का अंतिम चरम सीमा. कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. डेमोग्राफी. डेमोग्राफी में ग्राफ एक रूट वर्ड है जिससे बना हुआ है डेमोग्राफी. ठीक है. और इस ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग. ठीक है. या फिर राइट या फिर अकाउंट या फिर लिस्ट ये सारा कुछ होता है. ठीक है. और इसका एक्सप्लेन इस तरीका से लिस्ट ऑफ पीपल लोगों की अनुसूची या फिर लोगों की सूची. नेक्स्ट है डेमोनिम. डेमोनिम में निम एक रूट वर्ड है. निम एक रूट वर्ड है जिससे बना हुआ है डेमोनिम. ठीक है. और इस नेम का मीनिंग होता है नेम या फिर वर्ड. और इसका एक्सप्लेन नेम ऑफ पीपल यानी लोगों के नाम. नेक्स्ट है डेमोमानिया. ठीक है. जिसमें मानिया एक रूट वर्ड है और इस रूट वर्ड से बना हुआ है डेमोमानिया. और इस मानिया का मीनिंग होता है मैडनेस. ठीक है. मैडनेस या फिर डिजायर भी होता है. तो इसका एक्सप्लेन या फिर सेंटेंस इस तरीका से डिजायर ऑफ पीपल यानी लोगों की इच्छा. नेक्स्ट है
डेमो फाइल, ठीक है, डेमो फाइल में फाइल एक रूट वर्ड है या फिर फिलस, फाइल या फिर फिलस एक रूट वर्ड है जिससे बना हुआ है डेमो फाइल, और इस डेमो फाइल या फिर फिलस का मीनिंग होता है लवर, डियर या फिर लव। एक्सप्लेन इस तरीका से है, लवर ऑफ पीपल यानी लोगों का प्यार या फिर जो लोगों का प्रिय। नेक्स्ट है डेमोटिक, डेमोटिक में एक सफिक्स है, ठीक है, एक जो है सफिक्स है, ठीक है, और इस एक से बना हुआ है डेमोटिक, ठीक है, और ये एक का मतलब होता है हैविंग फॉर्म, क्या होता है हैविंग फॉर्म, ये एक जो है इस एक जिस भी वर्ड में लगा हो उस वर्ड के करेक्टर्स को, क्या किसको, करेक्टर्स को क्लियर करता है, तो हैविंग फॉर्म। इसका एक्सप्लेन या फिर सेंटेंस इस तरीका से ले सकते हैं, यूज स्पेशल इंफॉर्मेशन बाय कॉमन पीपल, कह रहा है किसी आम आदमी के द्वारा कोई खास इस खास इंफॉर्मेशन, खास मैसेज को यूज किया गया हो या प्रयोग किया गया हो।